from Singla Rice Mills Jakhal wishes you and your family a very happy Diwali. I request all the citizens of Jakhal Mandi to stay home and stay safe, especially the children, to stay home and maintain social distancing. The coronavirus is still active, and I request everybody to stay home, stay safe, and have a happy Diwali. ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल ने प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं व आमजन के नाम अपील जारी करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें विस्तार से ये बताया गया है कि 3 कृषि कानून किस तरह से देश के किसान, मजदूर व आमजन के विरोध में है। इसको लेकर ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल के पदाधिकारियों ने प्रदेश में प्रचार अभियान चलाने का अहम फैसला लिया है। काउंसिल के जारी पर्चे में बेहद तीखा हमला करते हुए लिखा गया है कि देश की केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को 3 अध्यादेश जारी किए थे व सरकार ने पूरी बेशर्मी के साथ तीनों बिल संसद में बिना किसी बहस कराए, बिना मत विभाजन के पास करा दिए। इन्हें 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर इन्हें कानून बना दिया गया। वहीं 3 कृषि कानून की विभिन्न धाराओं की खामियां बताई जा रही है। ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल के जरिए किए गए पर्चे में 3 कृषि कानूनों को विभिन्न धाराओं का जिक्र करते हुए उसकी खामियों का जिक्र किया गया है कि किस तरह से ये बिल देश के बड़े तबके के विरोध में जा रही हैं। बताया गया है कि धारा 4 या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की उल्लंघना करने पर 25,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार उल्लंघना करने पर 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी लगाया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल के राज्य उपाध्यक्ष चांदी राम पातड़ ने बताया कि उनकी स्टेट काउंसिल ने फैसला लिया है कि 3 कृषि कानूनों की खामियों के प्रति जनता को जागरूक किया जाएगा। किसान आंदोलन को खुला समर्थन वकीलों के माध्यम से किया जाएगा। वहीं इस आंदोलन में किसी किसान को कानूनी सहायता की जरूरत पड़ी तो उसे निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। पांच भाटिया सभी शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि इस टाइम पे सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उससे बचें, मास्क दोनों चीज़ों के लिए, पोल्यूशन से बचाव के लिए भी और जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसके बचाव के लिए मास्क डाल के रखें और अपना सेहत का ध्यान रखें। जो मोदी सरकार ने जो खेती पर कानून बनाए हैं 3, उनका विरोध में हमारे संगठन ने काम करने का फैसला किया है। जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उनका समर्थन हम करते हैं, क्योंकि जो ये एक्ट हैं तीनों से ये मतलब आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन कराया है, उसमें जमाखोरी बढ़ेगी, इसका विरोध करते हैं। और जो इन्होंने मंडीकरण को ख़त्म करने का फैसला कराया है, इससे मतलब किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। और जो न्यूनतम मतलब जो कीमत है निर्धारित करती है सरकार फसलों की, वो किसानों को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने इस कानून में मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो प्रावधान है वो नहीं रखा है। और स्टेट काउंसिल का फैसले को सभी यूनिटें लागू करेगी और हम किसानों के जितने भी ये इस आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हैं, और हमने एक पैम्पलेट भी निकाला है, ये पैम्पलेट है मतलब बुकलेट, इसमें मतलब हमने विरोध किया है जो तीनों कानून बनाए हैं सरकार ने खेती के खिलाफ। इसमें हमने विस्तार से लिखा है कि क्या ये कानून है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसानी पर ही पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं दीप सिंह पुनी पूरे पुण्य संस्थान की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये पर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे और आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों बना रहे और भगवान आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी करके बख्शे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा।